पूरे बिहार के अंदर जो अपराध का माहौल बन रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके जिस तरह का सरकार की लापरवाही झलक रही है, प्रशासन की उदासीनता झलक रही है और आज लगभग 13 तारीख को लाठी में विजय कुमार सिंह का, पूर्णिया में झुन्नी निवासी स्वर्गीय राजकुमार मेहता जी का, अमौर पूर्णिया में ही जनार्दन मंडल जी का और कटिहार में प्रहलाद पासवान जी का, और कल जिस तरह से नीलेश कुमार यादव जी को गोलियों से छलनी किया गया, ये सामाजिक कार्यकर्ता के अलावे आज कई जगह नरसंहार, मुजफ्फरपुर में 5 लोग को गोली मारा, 4 लोग डेथ कर गए, 3 पहले एक बॉडीगार्ड भी मर गया रात में, 4 लोग का, इस तरह से पूरे भय का माहौल है। अब सरकार जवाब दे कि ये वातावरण क्यों बन रहा है और अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है। आज मुहर्रम के नाम पर, तजिया के नाम पर कैमूर से लेकर भागलपुर और अररिया दरभंगा हर जगह क्यों इतना उग्र हो रहा है, किसका सह मिल रहा है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग का मनोबल बढ़ा रहा है और खाना पूर्ति के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम डाल करके इस तरह का माहौल पैदा की जा रही है कि ये लोग विरोध ना कर सके, ये आवाज नहीं उठा सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, गोपाल ठाकुर जी, माननीय रामकृपाल यादव जी सांसद, ये लोग भारत सरकार के गृह मंत्री से भी मिले हैं, वस्तु स्थिति से इन लोगों ने अवगत भी कराया और जानकारी भी मांगे हैं कि आखिर इस तरह का वातावरण से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आप भयभीत करना चाहते हैं, फंसाकर आवाज कि हत्या अपहरण लूट बलात्कार आज तो वैशाली के अंदर 1 करोड़ की लूट एक्सिस बैंक के अंदर हो गई, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, दिन दहाड़े बैंक लूटी जा रही है और सरकार में बैठे लोग सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और वसूली के ही खेल में फंसे रह रहे हैं। आज इस तरह का माहौल कहीं न कहीं दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है कि अब बिहार में जाति आधारित गणना हो, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला को हम स्वीकार करते हैं, संवैधानिक संस्था के निर्णय को मनोनुकूल नहीं आने पर विरोध करने वाले लोग इससे सबक लें। जिनके नियत में खोट था, जिनकी नीति पर माननीय न्यायालय ने प्रश्न उठाया था, हम तो उसका समर्थन किए थे। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जातीय जनगणना के माध्यम से क्या लॉ एंड ऑर्डर, हत्याओं का दौर वो बंद कर पाएंगे। शैक्षणिक वातावरण और शिक्षा विभाग में जातीय जनगणना से सुधार पाएंगे क्या? स्वास्थ्य विभाग में घोर अराजकता, अब भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? आप है तो आप उसको इंप्लीमेंट करें उसके कल्याण के लिए, जो पिछड़ा कमजोर, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे सरकार और उस पर उनकी क्या सोच है, क्या विजन है,
उस नीयत को नीति में कन्वर्ट करने के पहले लोगों से विमर्श करी, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं करेंगे। इनका उन्माद फैलाने तक की मानसिकता है। जातीय जनगणना को धरातल पर उठाकर बिहार के कानून व्यवस्था का, स्वास्थ्य का, गरीबों के जनउपयोगी, किसानों का, महिलाओं का इंप्लीमेंट करने की न सोच है, न विजन है, और न इनका कोई आगे कार्यक्रम है। और संवैधानिक संस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा की है। उन लोगों से पूछिए जिनको संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न और अंगुली उठाते हैं। मैं तो हमेशा संवैधानिक संस्था के निर्णय को स्वीकार करता हूं और संविधान में विश्वास करता हूं। जिनकी नीयत में खोट है उनसे पूछिए कि मनोनुकूल आवे निर्णय तो स्वीकार, जब हाई यही माननीय न्यायालय रोका था तो कितनी प्रतिक्रिया लोग दिए थे। जिनको संविधान में विश्वास नहीं है वही लोग माननीय न्यायालय के निर्णय पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा कि माननीय न्यायालय का निर्णय बिहार सरकार के उस नियत और नीति को स्पष्ट कर रही है। डिटेल में आएगा जानकारी तो विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का तो समर्थन किया था और कहा था कि नीयत साफ करिए, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य में जातीय जनगणना का उपयोग और आंकड़े की क्या जरूरत है, इसकी सुधार में कहां बाधक है। लेकिन ये सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई, न सदन के अंदर न सदन से बाहर। अब हमने अभी ही कहा है कि संवैधानिक संस्था निर्णय देती है मनोनुकूल तो उनका स्वागत करेंगे। माननीय न्यायालय, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जब अपनी जिम्मेवारी और काम करेंगे तो उस पर प्रश्न उठाएंगे, टीका टिप्पणी करेंगे। इन लोगों को संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, ये संविधान में विश्वास नहीं करते, ये राजतंत्र वंश तंत्र चलाने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार से आकूत संपत्ति बिहार के गरीबों की, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की लूट पर जब दबिश बढ़ती है तो बेचैनी क्यों होती है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति ये 150-200 करोड़ के महल का मालिक कैसे बना, अगर जो पूछ रहा है तो बताने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जिस दिन से जंगल राज को जनता राज कहा, ये गुंडा राज और माफिया राज में बदल गया। आज किस तरह से बालू माफिया खुल करके बिहटा के अंदर हत्या, कल नीलेश यादव पर साथ साथ गोलियों की बौछार, बालू माफिया का पूरा साम्राज्य पटना से लेके बिहार तक है। दारू माफिया और जमीन माफिया सरकार से संरक्षण प्राप्त करके खुलकर अपराध, आतंक और भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। इसमें जातीय जनगणना की क्या जरूरत है, सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती, एक्शन क्यों नहीं लेती, अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लगाती, बतानी चाहिए।